बेशक कभी कभी तुम्हारा तरीका थोड़ा अजीब ही होता है, पर क्योंकि तुम्हारी नीयत में सिर्फ अच्छाई है ना, इसलिए तुम्हें फल भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और फिर तुम मेरे बच्चे हो, तो मुझ पे ही गए हो, और इसलिए तुम्हारे तरीके भी अजीब अजीब ही होते हैं, पर हमेशा सर्वोत्तम होते हो। अंत तक कोशिश करने का परिणाम देखा है ना आज। अब जब समझ गए हो तो अंत तक कोशिश करते रहो, तुम्हारी इज्जत में वृद्धि होगी, कुछ नया भार सौंपा जाएगा जिससे एक नया मुकाम तुम हासिल कर पाओगे। बेशक जिम्मेदारियां नई आ रही हैं, पर ये नया सवेरा ला रही हैं। इससे तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, बहुत ज्यादा। तुम एक बात पर ध्यान देना कि जब भी मुझसे दूर होते हो ना तो चिंतित हो जाते हो। कुछ बेहद खास रिश्ता है हमारा, इसलिए चाहे तुम कुछ भी करो, किसी की भी पूजा करो, पर मेरे पास हमेशा आते रहना। तुम पूछ रहे थे इसलिए बता रहा हूँ, दूसरा विकल्प बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। आज भी कहता हूँ, मैं बातें घुमाकर नहीं कर रहा, बस इस वक्त सब अजीब सा लग रहा है। ये जवाब है उन बातों का जिनके तुम सवाल करने वाले हो आज पूरे दिन मुझसे। तुम जिन्हें पसंद करते हो सब कुछ सही है, पर थोड़ा और जानो और फिर अपने फैसले पर आना। इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब मैं तुम्हें ये याद नहीं दिलाने वाला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लिया करो, मुझे पुकार लिया करो, क्योंकि अक्सर जब तुम मुसीबत में रहते हो तो अंत में मुझे याद करते हो, पहले अच्छा खासा समय बर्बाद करने के पश्चात। तो फिर अब जब तुम अपने बाबा को याद ही नहीं करते तो आज मैं क्या ही बोलूँ तुमसे। लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी सहायता करने आ ही जाता हूँ। और ना, जब तुम घर पर रहते हो मेरी बहुत भक्ति करते हो, वैसे ही जब तुम बाहर रहते हो ना तो भी मुझे याद रखा करो कि मैं तब भी हूँ, तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ, बस इतना याद रखा करो। और तुमने अच्छा किया कि जिसके जितनी कीमत पड़ रही थी उसे उतना ही दिया, बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी यदि कोई तुम्हारे थोड़े से पैसे छीनकर भाग जाए और उसे ऐसा लगे कि वो जीत गया तो वो गलत है, तुम उससे ज़्यादा कमा लोगे। पर जो आशीर्वाद तुम कमा रहे हो ना वो सबको नहीं मिलता। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।